नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सिम टू मीडिया में। टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इको टर्म्स यानी कि डिलीवरी टर्म्स के बारे में। इंटरनेशनल जो भी इको टर्म्स यूज होता है आपको पता ही होगा, FOB है, CIF है, CFR है, एक्सपोर्ट्स के। इको टर्म्स है क्या वो हमको पहले जानना जरूरी है। इको टर्म्स यानी कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी होती है, लाइक किस पोर्ट से लेके किस पोर्ट तक गुड्स की डिलीवरी देगा, लोकल ट्रांसपोर्ट और पैकिंग और कस्टम क्लियरेंस कौन करेगा, वो सारे के सारे। और अभी यहाँ पे है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोटर्म्स, इकोटर्म कौन सी कितनी है। एक्सवर्क है, FOB है, FCA है, FAS है, CFR है, CIF, CBT, DDP और DDU। एक्सवर्क FOB यानी कि फ्री ऑन बोर्ड, FCA यानी फ्री कैरियर, FAS फ्री अलोंगसाइड शिपमेंट, CFR यानी कि कॉस्ट एंड फ्राइट, CIF यानी कि कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, CBT यानी कि कैरेज पेड टू, DDP यानी कि डिलीवरी ड्यूटी पेड और DDU डिलीवरी ड्यूटी अनपेड। ओके, जो यहाँ पे ये है 1, 2, 3, 4, ये मोस्ट ऑफली यूज होने वाले एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में यूज होने वाला है। ओके, और ये है ग्रीन में है DDP और DDU, ये ई कॉमर्स में यूज होता है मोस्ट ऑफली। ओके, अभी पहला है एक्सवर्क। एक्सवर्क नाम से ही पता चल जाता है, यहाँ पे है मिनी कॉप एक्सवर्क प्रोडक्ट गुड्स मेड ओनली एंड आफ्टर टेक गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री और वेयर हाउस, यानी कि एक्सपोर्टर जो भी होता है ओके वो गुड्स बना देगा और अपने फैक्ट्री के बाहर रख देगा, सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी खरीद रहा है इम्पोर्टर है उसकी रहती है। ओके, यहाँ पे सेलर रिस्क और सेलर कॉस्ट। एक्सपोर्ट प्रीमाइसेस सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई है। ओके, आप चार्ट देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि एक्सपोर्ट्स में क्या होता है। यहाँ पे सेलर रिस्क और सेलर कॉस्ट, फ्री सेलर का रिस्क कितना है इतना ही है एक्सपोर्ट प्रीमाइसेस। ओके, और सेलर का कॉस्ट गुड्स बनाने का वही है उसका कॉस्ट। फ्री कैरियर यानी कि एक्सपोर्ट की जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो उसको प्रिपेयर करनी होती है और सेलर का कॉस्ट भी वहाँ तक रहता है और रिस्क भी वहाँ तक रहता है। यहाँ पे स्पेशल नेम डिलीवरी गुड्स देन आफ्टर परमिशन एक्सपोर्ट द ऑल टाइम प्लेस नियर बाय रिक्स एंड रिवॉर्ड बायर। ओके, ये आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक ही बता रहा हूँ। अगर आप नहीं हो तो इसे आपको बहुत टाइम लगेगा ये सारे के सारे चीज़ सीखने में। FAS इज फ्री अलोंगसाइड शिपमेंट डिलीवरी एट पोर्ट कॉस्ट रिस्क बी बायर लोड गुड्स इन शिप। ओके, सेलर रिस्क उसको जो भी ओरिजिन पोर्ट है उस पोर्ट तक डिलीवरी देना और उस पोर्ट तक गुड्स की जो भी कॉस्टिंग रहती है वो। ओके, उसके बाद का सारा वर्क और रिस्क और कॉस्टिंग इम्पोर्टर को बेयर करना होता है। फ्री ऑन बोर्ड मोस्टली यूज होता है सेलर रिस्क और सेलर कॉस्ट। ओके, ये जो है एक्सपोर्ट की फॉर्मेलिटीज यहाँ कहाँ तक है, ऑन बोर्ड ऑन शिप यानी कि आपको जो भी शिप होती है उसमें गुड्स का लोडिंग करना है और वहाँ तक ही आपको उसका कॉस्ट का बेयर करना है। ओके, ये हो गया फ्री ऑन बोर्ड। और उसके बाद आ गया कॉस्ट एंड फ्राइट, यानी कि जो भी FOB था उसमें सिर्फ और सिर्फ एड हो गया जो भी फ्राइट एंड पोर्ट टू पोर्ट का ट्रांसपोर्ट वो एड हो गया। ओके, और वहां तक का रिस्क एंड कॉस्ट वो एक्सपोर्टर पे करता है।
सीआईएफ एफओपी में सेम टू सेम, सॉरी सीएफआर में जो भी था वो सेम टू सेम यहाँ पे रहता है, यहाँ पे सेलर का कॉस्ट बढ़ जाता है। सीआईएफ यानी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, यहाँ पे इंश्योरेंस भी आ गया, वो पोर्ट टू पोर्ट का जो भी कॉस्ट रहता है वो आपको यहाँ पे बेयर करना होता है। ओके, ये सारे के सारे चार्ट आप पूछ करके स्टडी कीजिए। ओके, उसमें यहाँ पे आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट से इकोटम से आपको समझनी जरूरी है। ओके, कैरेज पेड टू, यहाँ पे क्या है, बुल्स कहाँ तक देना है, रिस्क कहाँ तक है, आपका जो भी पोर्ट है वहां तक का, लेकिन आपको कॉस्ट कहाँ तक का बेयर करना है एक्सपोर्टर को, उसके पोर्ट तक का, उसके पोर्ट डेस्टिनेशन जो भी पोर्ट है ओके वहां तक, और उसने कोई भी उस कंट्री का कोई नेम दिया होगा उस कंट्री तक के जो भी डेस्टिनेशन कंट्री, तो आपको वहां पे पोर्ट तक पहुंचाना ही है, उसके आगे भी आपको पहुंचाना है। लाइक ये जो यूज होता है ये ई कॉमर्स में भी यूज होता है, और आगे आने वाली जो भी पेमेंट टर्म्स है और डीडीपी और डीडीयू वो भी ई कॉमर्स में यूज होने वाले पेमेंट इको टर्म्स है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वीडियोस आप देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के नए टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।